नमस्कार आप सबको। मैं आचार्य हरीश आप सबका स्वागत करता हूं योगा माई लाइफ पर। क्या होता है जब विशुद्धि चक्र जागृत होने लगता है या फिर विशुद्धि चक्र में एक्टिवेशन होने लगती है, पूर्णतया जागृत ना हो और एक्टिवेशन होनी शुरू हो तो किस तरह के अनुभव होते हैं, क्या क्या महसूस होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शब्द जो विशुद्धि है जुड़ा हुआ है शुद्ध होने से। सभी के सभी चक्र मन पर काम करते हैं। मन जो है संसार में फंसा हुआ है बुरी तरीके से, अच्छाई में भी फंसा हुआ है और बुराई में भी फंसा हुआ है। हमें ऐसे लगता है कि अच्छाई जो है वो बहुत अच्छी है, अच्छा करने से हम जो है बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। और अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा करना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई भी फंसाती है और बुराई भी फंसाती है। अपने भगवद गीता के लेक्चर्स में मैंने इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताया था कि अच्छाई के फंसाने का क्या मतलब है और बुराई के फंसाने का क्या मतलब है। बात हो रही है विशुद्धि चक्र की है, जहां मन शुद्ध हो जाता है, अंत्यंत शुद्ध हो जाता है। मन इस जगह पर आकर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अब मन की शुद्धि क्या होती है? बुरे विचार पनपेंगे नहीं, अच्छे विचार पनपेंगे, लेकिन पता चल जाएगा ये विचार मात्र हैं और अच्छे विचार ही पनपेंगे। अच्छे विचार उस तरीके से नहीं पैदा होंगे जिस तरीके से पहले पैदा होते थे। अब हर चीज में ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, शुद्धता आएगी। हर चीज में कैसे? हर थॉट में। ऐसा दिल करेगा कि सच के सिवा कुछ बोलूं ही नहीं, इस तरह की शुद्धता आपके अंदर आ जाएगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से बड़े क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपको मालूम होगा कि आपको सामने वाले व्यक्ति से क्या बात करनी है, क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। इतने ज़्यादा क्लियर आपका माइंड होने लगेगा जब जब विशुद्धि चक्र जागृत होने लगेगा या जागृत हो चुका होगा। कनेक्टिविटी होगी, अजीब तरह की कनेक्टिविटी होगी, अन्य लोगों से भी कनेक्टिविटी हो सकती है। कमाल की चीज़ है विशुद्धि चक्र। हमारे पास काफ़ी वीडियो हैं हमारे चैनल पर जिनसे आप विशुद्धि चक्र पे काम कर सकते हैं, लेकिन हर बार मैं ये बात आपको याद दिलाता हूँ और वार्न भी करता हूँ कि चक्र मेडिटेशन किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में ही करनी चाहिए। कोई वो योग्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आपके आसपास भी, जिसने इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रखा हो उसके सानिध्य में करनी चाहिए। जरूरी है, कोई भी काम जो हो सीखना हो तो एक योगी व्यक्ति के सानिध्य में ही सीखा जाता है। विशुद्धि चक्र जब जागृत होता है तो शुद्धता लेकर आता है, क्रिएटिविटी लेके आता है, कनेक्टिविटी, या कनेक्टिविटी तो अनाहत चक्र भी लेके आता है, लेकिन जो विशुद्धि चक्र की कनेक्टिविटी होती है वो विशुद्ध होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है, कोई चाह नहीं होती। बहुत सारी चाहने वाली सोचें आएंगी लेकिन लुभाएंगी नहीं। सच्चाई देखने का मन करेगा हर चीज में, कोई भी चीज हो सच्ची हो। सोचने का मन भी सच्चाई पर करेगा, यानी कि जो सोच उठेंगी मन में वो ना तो आक्रामक उठेंगी, ना झूठ इत्यादि की उठेंगी और ना ही लुभाने वाली उठेंगी। गले में होता है विशुद्धि चक्र यहां, और अक्सर आप पूछते हैं कि गले में कहां? चक्र जो भी होगा वो चारों ओर होगा, उसका पॉइंट जरूर रीढ़ की हड्डी के ऊपर होगा जो सेंटर पॉइंट है, लेकिन चक्र हमेशा चारों ओर ही होता है। अगर आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं चक्र पे तो चारों ओर आप अपनी अवेयरनेस को घुमा के मेडिटेशन कर सकते हैं। चक्र का मतलब ये है कि जो चक्र की तरह कोई चीज घूम रही हो। यहां यहां जो रंग है वो नीला हो जाता है, धुएं से मिलता जुलता नीला, धूमिल सा। और जिन लोगों को कम्युनिकेशन जिनकी वीक है, जो बोल नहीं सकते,
बोल नहीं सकते इन सेंस की जिनकी जुबान तुतलाती है या अंदर से आवाज़ नहीं उठती कुछ बोलने की। कई बार क्या होता है कि हम मन के अंदर बहुत सारी बातें सोचते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा बोलूंगा, वैसा बोलूंगा, लेकिन जब बोलने का समय आता है तो हमारे अंदर से वो आवाज़ निकल ही नहीं पाती। समझ लीजिए कि विशुद्धि चक्र जो है बहुत ज़्यादा वीक है, उस पर काम करना शुरू कीजिए। यहाँ तक पहुँचने में ना दुनिया बदलने लगती है, बड़ा मज़ा आने लगता है। किस तरह से लोग जो है दुनियादारी में फंसे हुए हैं, इन सब बातों को देखने का मज़ा आने लगता है। और खुद के व्यवहार पे जो पीछे हमने किया होता है, जब चक्र जागृत नहीं होते तो हैरानी होती है, हंसी भी आती है कि मैं भी किस तरीके से इन्वॉल्व था। क्लैरिटी आती है ना तो माइंड खुलने लगता है, माइंड बंधा हुआ है। जब क्लियर होता है माइंड, जब विशुद्ध होता है माइंड, शुद्ध हो जाता है तो माइंड खुलने लगता है, नए नए आइडियाज आते हैं, उन पे काम करने का मन करता है और काम करते भी हैं। काम करते हैं तो वो काम होता है, क्योंकि वो उसमें शुद्धता की शक्ति होती है, उसमें सच्चाई की शक्ति होती है, उसमें ट्रुथ की शक्ति होती है। तो बहुत कुछ छिपा हुआ है विशुद्धि चक्र में। कॉन्फिडेंस से बात करना, सच्चाई के साथ पूरे वजन के साथ बात करना विशुद्धि चक्र के जागृत होने से ही मुमकिन है। तो आज हमने बात की कि विशुद्धि चक्र जागृत होने से क्या क्या अनुभव होते हैं, किस तरीके का माइंड बनता है हमारा, क्या क्या हम सोचते हैं दुनिया के बारे में, खुद के बारे में। खुद के बारे में भी ये सोचते हैं कि मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना है और सच्चाई के रास्ते पर ही चलूँगा, दृढ़ता आती है। दुनिया में भी हम सच्चाई को ढूंढने लगते हैं, झूठी बातों से पर्दे हटने लगते हैं। इसी तरीके से चक्रों की यात्रा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।